देखिए, आज आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं जो अभी दो तीन पेपर शिफ्टों में होने हैं जेई मेन के, उनमें आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। तो जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली हुए हैं 24 जनवरी और 25 जनवरी को शिफ्ट वन शिफ्ट टू में, वो क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं जिससे आपको जो अभी पेपर आने वाले हैं उनमें बहुत मदद मिल सकती है ना। तो ये क्वेश्चन जो आए हैं अभी 24 और 25 जैन को, ये क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर हम लें तो बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस पर इन्होंने अभी तक दो क्वेश्चन बनाए हैं। अब बेसिक करेक्टर ये मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमीन, अमोनिया, इसमें पूछ रहा है इसका ऑर्डर बताइएगा एक्वस मीडियम। तो इसका सॉल्यूशन आपको मालूम ही है, आपको बता रखा है। मिथाइल अगर एल्काइल ग्रुप हो जाए तो याद रखिए सप्टा, शॉर्टकट की बता रखी, मतलब सेकेंडरी सबसे ज्यादा, बेसिक फिर प्राइमरी फिर टर्शरी फिर अमोनिया। और अगर इसकी जगह इथाइल आ जाए मान लो, है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, मतलब पहले ये सप्टा था, अब हो जाएगा क्या, सटपा। मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे अगर इथाइल आ गया। तो देखो दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं, कैसे मैं बताता हूं। पहले यहां पर बेसिक करेक्टर में मिथाइल है ना, तो एक्वस अगर मीडियम है तो मिथाइल में ऑर्डर ये लगता है सबसे ज्यादा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर टर्शरी फिर अमोनिया। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी टर्शरी और अमोनिया, ये ऑर्डर इसका हो जाएगा। अब सेकेंड वाले में इन्होंने क्या करा है, ये चार ऑप्शन हमको दे के मैच ऑफ द फॉलोइंग में पी के वी दे दिया है। पी के वी जो होता है वो बेसिक करेक्टर के इनवर्स भी होता है, तो जिसका पी के वी सबसे ज्यादा है वो सबसे कम बेसिक होगा। तो अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों देखो एल्काइल जो है वो इथाइल है, तो इथाइल वाले में फंडा ये काम करता है, बस ये दोनों इंटरचेंज कर दो आप, ये हमने आपको शॉर्टकट की बता रखी। तो आपने क्या करा, अब इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंडरी सबसे ज्यादा है, तो सेकेंडरी वाली अमाइन सबसे ज्यादा है तो उसका पी के वी सबसे कम होगा, तो सबसे कम कौन सा है, ये वाला। तो आप कहोगे सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ये बात। और इन एनिलीन कैसी है, एरोमेटिक अमाइन, तो एरोमेटिक तो सबसे कम बेसिक होती है, माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये सबसे कम बेसिक है तो इसका पी के भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ए वाले का आंसर ये होगा। समझ में आ रहा है। अब हम बात करें प्राइमरी की और टर्शरी की, तो प्राइमरी और टर्शरी में इथाइल वाले केस में कौन ज्यादा है, टर्शरी। तो टर्शरी ज्यादा अगर है तो उसका पी के भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ये ध्यान रख लो, जब आप प्राइमरी की और टर्शरी की आएगी, प्राइमरी टर्शरी, तो टर्शरी ज्यादा बेसिक, तो टर्शरी ज्यादा बेसिक है इसका मतलब पी के भी उसका कम होगा और इसके मुकाबले प्राइमरी के बनस्पत, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो इथाइल जब आपको दिखाई दे जाए अमाइन में सब में, तो ऑर्डर ये लगाया करो, मिथाइल दिखाई दे तो ये लगाया। और एरोमेटिक अमाइन तो आपको मालूम ही है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से सबसे कम बेसिक होती है। हो गए दोनों क्वेश्चन क्लियर, 2 मिनट के हैं सिर्फ, ये याद रख लो, विद इन अ सेकंड सवाल खत्म, कुछ नहीं करना। अब आता है ये वाला क्वेश्चन जो कि एबीसीडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो आपने अगर इसका ब्रोमिनेशन करा दिया पहले, ब्रोमिनेशन, तो आपको मालूम ही है सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो डीएक्टिवेट करता है बेंजीन को, तो इलेक्ट्रोफाइल को ये चाहेगा, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा, तो ऑर्थो पे चीज लगेगी क्योंकि पैरा पे तो ऑलरेडी लगी हुई है, यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाए, यहां ब्रोमो लग जाए और ये एज इट इज लगा हुआ,
फिर इसका इसने कराया रिडक्शन। तो तुमने पढ़ा है कि अगर रिडक्शन करवा दें हम, 6H ले लिए, 10 और HCl, ध्यान आ रहा? तो नाइट्रो का जब रिडक्शन होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगी? अमाइन। तो यहां अमाइन बन जाएगा। अब इसका कराया डाइएजोटाइजेशन। तो डाइएजोटाइजेशन जब होता है इसके संग इन कोल्ड, तो बताइए NH2 की जगह क्या बन जाता है? डाइजोनियम क्लोराइड। तो अगर आपको 12th ढंग से क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। डाइजोनियम क्लोराइड उसका करा दिया KMnO4 पे। KMnO4 बहुत ही जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको मालूम है इसका जब ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 के संग, तो इसकी जगह क्या आ जाता है? एसिड। तो आपका नेट आंसर जो दिखाई दे रहा है वो ये आ जाता है। तो जो उसने पूछा ए क्या, व्हाट इज ए, तो ए आंसर यू। तो मुझे लगता है ये ऑर्गेनिक के तीनों क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको बताते हैं, पहले इसे लिख लीजिएगा आप। अब हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं इस साल JEE 23 में, जो 24 और 25 जनवरी को पेपर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में हुए हैं, उसके तीन क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्व कर दिए। अब आपके पास मैंने 4th, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन लिख लिए, इनको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए 4th क्वेश्चन जो है ये 11th और 12th का कॉम्बिनेशन है। ये कह रहे हैं एन हेप्टेन से ये बनाना है, तो इस कन्वर्जन में कौन कौन से स्टेप यूज हुए ये बताने, ये स्टेप्स दिए हूं। तो पहले है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन का मतलब क्या है पहले ये लिख, मतलब 7 कार्बन का सीधी चेन है, इसको एन हेप्टेन कहते हैं। और ये चीज है फिनाइल, फिनाइल मतलब है एरोमेटिक। तो ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो इसका एरोमेटाइजेशन करवा दो। और आपने 11th में पढ़ा है एल्केन के चैप्टर में कि एरोमेटाइजिंग एजेंट ये होता है, ये क्या करता है लीनियर चेन को एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज कर देता है। 7 कार्बन है तो बन जाएगी टॉलुइन, बाकी हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही स्टेप दे रखा था जिसमें ये पहले था, यही आंसर हो। बताने को तो मैं सारे बता रहा हूं आपको, लेकिन बता रहा हूं देखो किसी में भी ये नहीं दे रखा है पहले। एरोमेटिक जो फिनाइल है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हिंट मिल गया कि इसका एरोमेटाइजेशन कराना पड़ेगा। फिर हमने इसका क्या करा दिया, क्रोमिल क्लोराइड किटार्ड रिएक्शन। किटार्ड रिएक्शन में क्या होता है याद है, इससे क्या बन जाता है, H2O निकल जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और आप सब जानते हो कि जब बेंजल्डिहाइड तुम्हारे पास बन गया है, कंसंट्रेटेड NaOH और उसकी हाइड्रोलिसिस, ये क्या देती है मालूम है, ये होता है कैनिजारोज रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल ले लेती, एक का हो जाता है एसिडिफिकेशन, एसिड बन जाता है, और दूसरा बन जाता है एल्को। तो ये कैनिजारो रिएक्शन, ये इटार्ड, ये एरोमेटाइजेशन है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं जितने ज्यादा नेम्ड रिएक्शन कर लोगे आप उतना फायदा होगा, बोर्ड में भी और कंप्लीशन में भी। अब देखो इस पूरे कन्वर्जन में एरोमेटाइजेशन, इटार्ड रिएक्शन, कैनिजारो, सब नेम्ड रिएक्शन आ रहे हैं, है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ये ए वाला हो, लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला। अब आप 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि ये क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
इसका मैंने ऑक्सीजन पे रिएक्शन करा दिया। ये फिनॉल का आपको याद हो प्रिपरेशन में काम आता है, क्यूमीन से फिनॉल। तो आपको क्या करना है, आपने क्यूमीन लिया, इसका ऑक्सीजन पे रिएक्शन कराया, तो ध्यान है ऑक्सीजन इसके संग अटैच हो जाता है, अगर ध्यान आ रहा हो आपको। तो यही पूछ रहा था ये क्या है, बस आंसर आ गया आपका। इसका एयर पे रिएक्शन हुआ तो क्या बना, ए पूछ रहा है। इसके बाद तो हाइड्रोलिसिस होती है, फिनॉल बन जाता है आपको मालूम है, तो उसने तो ये पूछा है आपसे बस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ध्यान है क्या होता है, ये अलग हो जाता है एसीटोन, और रह जाता है इसके संग ओएच, तो फिनॉल बन जाता है एलोंग विद एसीटोन। ध्यान आ गया। तो आपसे पूछ रहा था इंटरमीडिएट ए क्या है, तो आंसर हो गया ये। अब देखेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन, यहां दिखा देते हैं। देखो इसको ढंग से देखो, इसमें कीटोन है और इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन, तो NaOH और हीट कर दिया, कौन सा रिएक्शन है, एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने जा रहे, मतलब आप यूं मान लो, अगर नेम्ड रिएक्शन नहीं मालूम है ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक का पेपर बेकार होगा, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन, नीट हो जेई हो। इसलिए बार बार कहते हैं ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो नेम्ड रिएक्शन बार बार करो। अब एल्डोल कंडेंसेशन तुम्हें मालूम ही है कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन एल्फा हाइड्रोजन। और इसकी ट्रिक क्या बता रखी है हमने, देखो ट्रिक इसकी ये है कि पहला मॉलिक्यूल जो है उसका आप ओ ऐसे लिखो, इसमें तो सीमेंट रही है, कहीं से भी लिख लो, साइक्लोहेक्सीनोन। लेकिन दूसरा वाला जो लिखो इसका मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल लेते हैं ना, वो ध्यान रख लो उसके अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल, यही बना लो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल ग्रुप के बगल वाला, ये ग्रुप ले लिया मान लो यहां पर, तो ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, उसके दो एच बाहर निकाल, ये ट्रिक समझा रखी है बस। अब कुछ नहीं करना है आप जैसे ही हीट करोगे वाटर बाहर निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो कुछ नहीं करते हैं, इधर जो मॉलिक्यूल लेते हैं राइट हैंड साइड में, वो अल्फा कार्बन से दो एच बाहर निकाल लो ग्रुप के बगल वाले से, बस ट्रिक यही है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। ये आंसर हो गया है ना, नहीं तो आप एल्डोल कंडेंसेशन की वीडियो देखो हमारी, जो शॉर्टकट कीज दे रखी है, विद इन अ सेकंड सवाल निकलते हैं उससे। तो ये क्वेश्चन हो गया सिक्स्थ। अब आपको सेवेंथ क्वेश्चन दिखाते हैं जो शायद सबसे आसान, देखिए उसमें ये कह रहा है बेटा आपसे कि आपको कायरल सेंटर बताने, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है आपने कायरल सेंटर क्या होता, कायरल सेंटर किसे कहते हैं, कायरल सेंटर वो होता है जिसमें कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग हो मोनोवेलेंट। तो पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, देखो लास्ट में देखो ब्यूटेन लिखा है, 1 2 3 4 नेमिंग ऐसे लिखती है, लास्ट में देख लो क्या लिखा है, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे ड्यूट्रो है। मान लो इधर से चले तो 2 पे तो ब्रोमो है और 3 पे ड्यूट्रो है। अब इसको सेटिस्फाई करा ली, ये करा ली। अब बताओ इस कार्बन पर क्या चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये हो गया कायरल सेंटर। इस वाले पे चारों अलग अलग हैं देखो आप, तो ये भी कायरल सेंटर, तो आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये क्यों नहीं है, इसको भी चेक करते हैं जरा। ये भी ब्यूटीन 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो है और 2 पे ड्यूट्रो है, 1 पे ब्रोमो है, वैलेंसी सेटिस्फाई करा लो, 2 पे ड्यूट्रो है,
ये हो गए। अब आप देखिए, इस कार्बन पर दो सेम आ रहे हैं तो इसमें कायरल नहीं है, इस वाले पे चारों अलग अलग, ये अलग ये अलग, इथाइल अलग ये अलग, तो ये कायरल है। तो वो कह रहा था दो कायरल सेंटर किसमें, तो दो तो इसमें है, इसमें तो एक ही कायरल है, तो आंसर ही हो गया पहला वाला। तो समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन आते जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, है ना, अभी 24 और 25 जनवरी को पेपर हो चुका है जेई का, शिफ्ट वन शिफ्ट टू में, तो जो जो क्वेश्चन हमारे पास में इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन हम आपको कराते चले जाएंगे। तो इनको अगर आप कर लोगे तो जो अभी बच्चों का पेपर बचा है 27, 28, 29, 30, 31 तक पेपर हैं, उसमें बहुत तो उनको हेल्प मिलने वाली है। इन क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिए, और भी मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करता जाऊँ, तो मेरे चैनल को ढंग से देखिए आप, चैनल को आप जानते ही हैं क्या है, फिर भी देख लो आप, विच्स केम ट्रिक्स, इसको आप लिख लो, इस पे सर्च कर करके वीडियो देखते जाना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा मैं आपके सामने, इससे आपको हेल्प मिलेगी।